नमस्कार, सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो वेदव्यास महाभारत का जो आठवां विषय है वो है अष्टवर्षों को जो श्राप दिया गया था, अष्टवर्षों का श्राप, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो लाइक बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरे जो सारे वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का। दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे राजा भरत, वो पूरे विश्व को वो जय करके वो चक्रवर्ती महाराज बने और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। और उनके वंश में हस्ति नामक एक राजा ने जन्म लिया था जिनके नाम से हस्तिनानगर स्थापन हुआ या हस्तिनापुर स्थापन हुआ। और फिर ये भी कहा जाता है कुरु, इस वंश में कुरु नामक भी एक राजा थे और वो जहाँ पर तपस्या कर रहे थे उस उनके नाम से उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। और उन कुरु के वंश में और एक राजा थे जिनका नाम था प्रतीप, जो कि बहुत ही महाप्रतापी राजा थे और जिनके पुत्र थे शांतनु। तो एक दिन अष्टवसु वो अपने पत्नियों के साथ वशिष्ठ के आश्रम के निकट में भ्रमण कर रहे थे और वशिष्ठ का एक जो है गाय था उनके पास, जिस गाय का नाम था नंदिनी। तो वो जो नंदिनी का जो सुंदर रूप था, नंदिनी गाय का जो सुंदर रूप था उससे अष्टवसुओं की एक पत्नी बहुत ही खुश हो गई और उन्होंने उनके पतियों से कहा, उनके पति से कहा कि वो मुझे वो गाय चाहिए, मुझे वो लाकर दीजिए। तो अश्व ने मना किया कि जो सबसे बड़े अश्व थे उन अष्टवसुओं में से, उन्होंने मना किया कि नहीं, ये करना ठीक उचित नहीं है कि और हम वो देवतागण हैं, हम नहीं चाहेंगे कि वो हमें श्राप दे गुस्सा होकर और उनके क्रोध का हम शिकार नहीं होना चाहते। परंतु वसु पत्नी ने ये बात नहीं सुना और उन्होंने फिर भी कहा कि मुझे चाहिए वो गाय, इसलिए वो जो सबसे ज्येष्ठ वसु थे वो ले आए, या उन जो वसुओं में से एक वसु वो ले आए उस गाय को। फिर वशिष्ठ जब आश्रम को लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका गाय उनके पास नहीं है। तो वो जो उनका जो योग था वो योग के बल पे वो जान पाए कि अष्टवसुओं ने उनका गाय को चोरी किया है और उन्होंने उनको श्राप दिया कि ऐसे जो चोर की तरह ऐसे व्यवहार दिखाने के लिए वो पृथ्वी पर जन्म लेंगे और मनुष्य होकर जन्म होंगे। तो वसुओं के वसुओं को जो जो श्राप मिला उससे भयभीत होकर उन्होंने जाकर वशिष्ठ से क्षमा मांगी। फिर भी उन्होंने कहा कि मेरा श्राप तो जरूर काम करेगा, परंतु जिस वसु ने इस गाय को पहले चुराया है वो विश्व में बहुत दिनों के लिए रहेगा और वो पूरा विश्व में बहुत और बहुत प्रसिद्ध होगा इस विश्व में। और जो सात वसु हैं वो बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे मेरे श्राप से। और तुम में से मतलब जो भी जन्म होगा वो उसको नदी के किनारे तुम्हारे जो माता होगी वो डाल देंगे, परंतु वो जो आठवां पुत्र है वो ही बहुत समय के लिए जीवित रहेगा और बहुत प्रसिद्ध होगा। तो वो जाकर गंगा के पास, माता गंगा के पास गई और उन्होंने कहा कि आप देवता हैं तो आप हमारे माता बनिए। फिर गंगा तो देवलोक और मर्त्यलोक दोनों की ही कल्याण सोचती थी। तो वो जब अष्टवसुओं का ये जो देखा उन्होंने कि ऐसा अवस्था है तो उन्होंने ऐसा स्वीकार किया उनके माता बनने के लिए और उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारा माता बनूंगी। और एक दिन राजा प्रतीप जो थे, जो शांतनु के पिता थे, वो एक दिन तपस्या कर रहे थे गंगा के किनारे और बहुत समय के लिए उनका एक पुत्र जन्म न होने के कारण उनका वंश खत्म होने वाला था,
उसी समय गंगा आई और उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण करके उनके पास आई और उनके जो दाहिने जंघा है वहां पर बैठ गई। तो महाराज प्रतीप ने देखा, कहा कि कहिए कि मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य कर सकता हूँ। गंगा ने कहा कि मैं एक कामवती नारी हूँ और मेरा जो काम भोग का जो इच्छा है वो आप पूर्ण कीजिए। प्रतीप ने कहा, हे गंगा, तुम मेरे डायने जंघे पे बैठे हो, इसलिए तुम जो मेरे काम भोग के योग्य नहीं हो, और जो डायने जंघे पर बैठता है वो पुत्र बैठता है, कन्या बैठता है, या वो पुत्र वधु बैठने के ही योग्य होता है डायने जंघा, और जो पत्नी है वो सिर्फ बाइने जंघे पे ही बैठ सकती है, इसलिए तुम्हारे साथ मेरा संभोग संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें अपने पुत्र वधु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार गंगा ने अपना परिचय दिया और उन्होंने कहा कि हे धर्मज्ञ महाराज, तुमने जो कहा है वो सटीक है और तुम्हारा अवश्य तुम्हें एक पुत्र मिलेगा और उस पुत्र को मैं सटीक समय में पति के रूप में मैं स्वीकार करूंगी। और कुछ समय पश्चात प्रतीप का एक पुत्र जन्म हुआ और ये जो उनका वंश है वो शेष होने के कारण या जब शांत होने वाला था उसी समय इस पुत्र का जन्म होने के कारण उस पुत्र का नाम है शांतनु। तो यही था ये विषय जो हमने देखा, अष्टवर्षियों को जो अभिशाप या जो श्राप मिला था। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।